पॉटरी के छत गिरने मामले में कुछ मजदूर दब गए थे, जिसमें एक महिला की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि एक महिला को घायल अवस्था में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तस्वीरें खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के सेंटर पॉटरी एरिया की हैं। 12 घंटे से अधिक का समय बीत गया है, रेस्क्यू अभी भी जारी है, NDRF की टीम अंदर लगी हुई है। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ SP देहात मौजूद हैं बुलंदशहर से, उनसे बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है इसमें और किस तरह के काम अभी NDRF की टीम कर रही है। सर, 12 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, अब तक क्या कुछ अपडेट है इसमें? रेस्क्यू टीम हमारी लगातार उस पर काम कर रही, परिस्थितियाँ कुछ इस तरह से खतरनाक हैं, रिस्क लेने की स्थिति में नहीं, सेफली हमको काम करना है कि और लोगों को भी बचाना, जो हमारे लोग लगे हुए हैं उनके साथ भी दिक्कत है, इसलिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ रही। ऊपर से इतना ज़्यादा सामान है और फिसल जाए तो फिर एक बड़ा दूसरा हादसा हो सकता है, लेकिन हम लोग लगे हुए, बहुत जल्दी से जल्दी हम कामयाब हो गए। तो इसमें अपडेट जी निकल के आई थी, कुछ मजदूर दब गए थे, तो एक बार मैं अपडेट में जान लेता हूँ कितने मजदूर दबे थे यहाँ पर और कितनों का रेस्क्यू कर लिया गया है और कितनों की संभावना अंदर है अभी? कुल 3 लोग थे, जिसमें से 2 को तत्काल अस्पताल भेजा गया था, जिसमें से एक महिला की डेथ हो गई थी, दूसरी SBA अस्पताल में एडमिट है और तीसरा, जिसके बारे में अभी रेस्क्यू कार्यक्रम चल रहा है रेस्क्यू का, और जल्दी ही हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे। जैसे परिवार यहाँ परिजन हैं, मृतक के भी हैं और जो महिला अंदर दबी हुई उनके भी परिजन हैं, वो इस विषय में आक्रोशित है। एक मिनट रुक जाइए, अभी सुनता हूँ जी, एक मिनट में बात कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। तो जो ये परिजन है आप देख लीजिए, ये थोड़े से आक्रोशित हैं, परेशान हैं, इन्हें किस तरह का आश्वासन दे रहे हैं आप? देखिए, जिसका आदमी दबा हुआ है, नीचे है, उसका आक्रोशित होना स्वाभाविक है, लेकिन सुरक्षा मेजर्स को देखते हुए कोई कार्रवाई हो सकती है, हम लोग लगे हुए हैं और बहुत जल्दी ही कामयाब होंगे। ठीक है, तो ये हमारे साथ SP देहात थे बुलंदशहर बजरंग बली जी, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि टीम अभी भी रेस्क्यू के लिए लगातार प्रयास कर रही है और जो स्थानीय लोग, जो इनके परिजन हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तस्वीरों में दिखा दूं सबसे पहले आपको, ये वो पॉटरी है जहां फैक्ट्री की छत गिरने के कारण हादसा हो गया था। इस हादसे में एक महिला की मौत हुई थी, जबकि एक महिला गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर कर दी गई थी। एक महिला के अंदर दबे होने की सूचना अभी भी है और ये उन्हीं के परिजन हैं जो ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शायद कोई अपडेट मिल जाए, शायद कोई सूचना अंदर से मिल जाए, लेकिन अभी तक जो NDRF की टीम है, 12 घंटे से अधिक का समय बीत गया है और NDRF की टीम अंदर ही मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा केला बेटा। कौन है आपके अंदर? हमारी बहू है। कितना समय बीत गया है लगभग? सुनीता, सुबह 8 बजे से यहाँ कैसे है, कितना समय बीत गया? 9 बजे से छत गिरी है, 9 बजे से दबी हुई है। अच्छा, हाँ, और अभी तक नहीं बेटा। तो ये कह रही है कि सुबह 9 बजे जब इनकी जो बहू है वो यहाँ काम करने आई थी और जब ही ये हादसा हो गया और तभी से वो अंदर है और दबी हुई है, अभी तक किसी भी कंडीशन की कोई सूचना परिजनों तक नहीं पहुंची है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि NDRF की टीम जो है वो रेस्क्यू के लिए लगातार जारी है। लोग यहाँ धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अभी भी यहाँ जो माहौल है वो असमंजस की स्थिति है, परिजनों के कई सवाल हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो अधिकारी हैं, परिजन उनसे बातचीत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक मुश्किल स्थिति है हालातों को काबू करना, और परिजन जो है वो किसी धीरे धीरे करके उनका सब्र का जो बांध है वो टूटता जा रहा है, क्योंकि 12 घंटे से अधिक का समय बीत गया है। NDRF की तरफ से अभी तक कोई किसी तरह की अपडेट परिजनों को नहीं मिल पाई है, जिस कारण परिवार जो है, जो परिजन हैं या जो स्थानीय लोग हैं उनके वहाँ के इलाके के, वो अभी तक इस विषय में परेशान है कि आखिर NDRF की टीम किस तरह की कार्रवाई कर रही है कि 12 घंटे का समय बीत जाने के बाद भी अब तक उनकी तरफ से कोई सूचना जारी नहीं की गई है। फिलहाल अभी भी टीम जो है वो अंदर प्रयासरत है, कोशिश कर रहे हैं कि जो महिला अंदर मलबे में दबी हुई है उन्हें किसी तरह से निकाला जा सके। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के सेंटर पॉटरी एरिया में स्थित महाशक्ति सिरेमिक पॉटरी की इंसुलेटर बनाती है, यहाँ छत गिरने से हादसा हुआ था। और भी जानकारी आपको देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ Time24 न्यूज़ पर। Time24 News, जज्बा सच दिखाने का।